Hello students, welcome to Maths class. I am Vishali, your Maths teacher from Raj International School. Today, in this class, we are going to cover this exercise 13.2. Question number 8 is, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. आपके पास कुछ given number of articles हैं, मतलब fixed articles हैं. करना क्या है? 42 machines चाहिए एक factory को 63 डेज में उनको प्रोड्यूस करने के लिए. आगे कह रहा है हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज. अब 63 डेज नंबर ऑफ डेज जब ज्यादा है इससे, है ना, दोनों में से तो ये ज्यादा है ना. जब 63 डेज है तो मशीन्स कितनी चाहिए? 42. अब डेज तो कर दिए कम, 54 डेज में उन सारे आर्टिकल्स को बनाना है तो मुझे ऑब्वियसली मशीन्स कितनी चाहिए? पहले से ज्यादा चाहिए होंगी ना, क्योंकि मुझे कम दिन में कवर करना है वो सब काम, है ना. नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम है, दैट मींस अगेन यहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? देखो, हेयर द गिवन डाटा is in inverse proportion एक बार अगर आपको ये पता लग गया कि क्वेश्चन में कौन सा प्रोपोर्शन यूज करना है तो उसको सोल्व करना बिल्कुल आसान है. ठीक है, सोल्यूशन में तो कुछ है ही नहीं, बस क्वेश्चन को समझकर ये जरूर देखना है हमने कि उसमें प्रोपोर्शन यूज कौन सा करना है. ठीक है, देखिए अब मुझे क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ मशीन्स, लेट द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड बी एक्स. टेबल बनाते हैं, देखिए नंबर ऑफ मशीन्स और सेकंड में मेरे पास क्या है? दूसरा डेज. जब मशीन्स 42 है तो डेज 63, और फिर नंबर ऑफ मशीन्स को हमने एक्स लेट किया और डेज कितने हैं? 54. बस उल्टा सीधा नहीं लिखना कि 42 के साथ आप 54 लिख रहे हैं, ऐसे नहीं करना. क्लियर? अब इनवर्स प्रोपोर्शन है तो क्या सेम होना है? मल्टीप्लीकेशन. 42 into 63 is equals to x into 54. अब देखिए x is equals to 42 into 63 upon 54, that is, ये हम कैसे कर सकते हैं? 6 की टेबल से 6 7s are, 6 9s are, 9 7s are, तो आपके पास x कितना आ जाएगा? 49. That means number of machines required is equals to 49. ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th इज, टू पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 डेज. दो पर्सन एक हाउस में विंडोज को कितने दिन में फिट कर सकते हैं? 3 दिनों में. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कहता है वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ मेनी हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ. अगर एक पर्सन बीमार हो जाता है काम स्टार्ट होने से पहले ही, आप कितने दिन लगेंगे? मतलब जो दो लोग काम कर रहे थे अब वो दो नहीं है, वो एक ही पर्सन काम कर रहे हैं, तो वो एक अकेला कितने दिनों में काम करेगा मुझे ये बताना है. नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिल द विंडोज इन वन डे. एक दिन में कितने पर्सन चाहिए उस काम को खत्म करने के लिए? ठीक है, देखो जब दो लोग थे तो 3 दिन लग रहे थे, जब एक पर्सन कम हो गया, अब तो अकेला ही एक पर्सन रह गया ना, उसको ज्यादा दिन लगेंगे. पर्सन कम हो गए, नंबर ऑफ डेज बढ़ गए, इंप्लाइज इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हियर द डाटा इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन. अब जब इनवर्स प्रोपोर्शन है तो मुझे पता है मल्टीप्लीकेशन सेम रहती है, बस मुझे टेबल बनानी है. देखिए
क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ पर्संस और सेकेंड में नंबर ऑफ डेज। ठीक है, जब नंबर ऑफ पर्संस टू है, टू तो तीन दिन लग रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में एक पर्सन बीमार हो गया तो नंबर ऑफ पर्संस वन रह गए, सपोज कर लो ये एक्स है। और सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट में कहता है हाउ मेनी पर्संस वुड बी नीडेड, इस बार पर्संस चाहिए, तो सपोज कर लो नंबर ऑफ पर्संस को वाई है। क्लियर? इन वन डे, इस बार दिन एक है। ठीक है, तो मेरे पास ये टेबल हमने ओवरऑल बना दी। जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है उसमें क्या आ जाएगा? 2 × 3 शुड बी इक्वल टू 1 × x, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है? पर्संस फाइंड करने हैं। सेकेंड पार्ट अगेन 2 × 3 इज इक्वल टू y × 1, सो y इज इक्वल टू 6। सो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ पर्संस इज इक्वल टू 6। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट, दैट इज इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से समझ आया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।